मैं किसान यूनियन का धन्यवाद करना चाहता है कि वह पंजाब दे लई, पंजाब दे किसानां दे लई बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही है। और मैं उन्होंने विश्वास दवाया है कि पंजाब की सरकार हर तरीके दे नाल किसान यूनियन दे नाल खड़ी है। तो उन्होंने मोर्चे दे विच जेकर सानू अस्तीफा दे के भी वह कहण तो असीं उन्हां दे नाल जाण नूं तैयार है। तो असीं उन्हां दी हर तरीके दे नाल मदद दे विच पंजाब दी सरकार खड़ी है। पिछले विधानसभा दे विच जो सानू किसान यूनियन ने हुक्म कीता सी कि रेजुलेशन लिया जाए, ऐसी हूबहू उही रेजुलेशन लेके आए है। उस तो भी उपर दो लाइना मैं ऐड कराइया कि यह सदन सारे MLA सर्बसम्मति नाल सरकार नूं हदायत करते हैं कि पंजाब दे विच काले कानून लागू ना किते जान। उदे नाल पंजाब सरकार हुण इह कानूनां नूं लागू नहीं कर सकती, तो पंजाब दे विचों इह कानून है जिहड़े रद्द हैं। इस तों बिना 2013 दे विच जो अकाली सरकार ने इन्हां कानूनां काले कानूनां दे नाल मिलदा जुलदा ही कानून पास कीता सी, जिस दी बुनियाद इन्हां जिहड़े हुण काले कानून आए उन्हां दी बुनियाद वह 13 दा कानून बनिया। ऐसी अकालियां दा बनाया होया कानून भी रद्द कर दिता जिहड़ा कि किसानां दे खिलाफ सी 2013 च उन्हां ने बनाया सी, जिहदे विच कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उन्हां ने करन दा ऐलान कीता सी, कानून बनाया सी। सो अज जो मंगा उन्होंने 18 रखिया सी, उन्हां च पहली करजे बारे डिमांड सी। एक और डिमांड दा असीं कहा कि असीं इहदे च सरकार पूरी आपसी घोख करके फिर दुबारे उन्होंने नाल बैठेगी। बाकी दियां 17 दियां 17 मंगा असीं उन्हां दियां अज इत्थे ही ऐलान करके मान लईआं। उस तों उपर भी कुछ गल्लां फिर उन्होंने मौके ते सानूं कहीआं ऐसी वह भी सरकार ने मान लईआं। इन्हां दे विच गुलाबी सुंडी जिहड़ी बठिंडा एरिए च पई है, हालांकि मैनूं सवेरे उग्राहां ग्रुप वाले भी मिले सी, उन्हां दी डिमांड सी, उन्होंने उत्थे संघर्ष भी कर रहे हैं उधर कि किसानां नूं मुआवजा वध दित्ता जावे। अज भी किसानां ने इस गल दा मुद्दा उठाया है, पर मैं अपने वल्लों ही वध जिहड़ा मुआवजा देना ऐसी सरकार चाहुंदी है। सो जिहड़ा 12,000 दा पहला मुआवजा गया है किसानां नूं, हुण असीं कुल 17,000 रुपया जिन्हां दा 75% तों वध नुकसान हो गया, जिहनूं 100% मन्निया जांदा है, उन्हां नूं 17,000 रुपया 12,000 दी बजाए 17,000 रुपया कुल है जिहड़ा वह मुआवजा देवांगे। ते नाल नाल जिहड़ा मजदूर नरमे नूं चुगदा है जिहनूं चोगा कहिंदे आ उहनूं 10% मुआवजा इस तों उपर दित्ता जाएगा, उन्हां नूं भी 10% मुआवजा जिहड़ा सरकार देगी, जिहड़ा कि असीं DC-ਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਉਹ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਗੰਨੇ ਦਾ 360 ਰੁਪਈਏ ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਰੁਪਏ 310 ਸੀ, 50 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 35 ਰੁਪਈਏ ਸਰਕਾਰ ਪਾਏਗੀ, 15 ਰੁਪਏ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲ ਪਾਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਊਂਟਰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਇਸ ਸਾਲ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਸਲ
किसानां दी बहुत वधिया तरीके नाल चक्की गई है, सही टाइम ते पेमेंटां होई है, कोई विघन नहीं पिया, कोई हड़तालां या संघर्ष करन दी लोड़ नहीं पई। इस बार सरकार ने पिछले 20 सालां दे विच सब तो वधिया तरीके दे नाल फसल चक्की है। फिर भी जेड़ी हुण फसल अजे कोई रहिंदी है, वो असीं अगले 3 या 4 दिनां चक देवांगे।